अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं खाने काबा में हूँ और यहाँ मैं दुआ कर रहा हूँ उन 40 जवानों की जो शहादत हुई है उनके परिवार वालों के लिए। मैं खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि उन 40 जवानों को जन्नत नसीब करे और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करे। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा हूँ, अमित शाह की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वजीर आला जो हिंदुस्तान को काफ़ी अरसे के बाद मिले हैं वो बने रहना चाहिए। जिस तरह उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल की है, जिस तरह हमारे एकता को बनाए रखा है, वो काबिल तारीफ है। और मैं ये तहे दिल से खुदा से दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त पे भी नरेंद्र मोदी जैसे वजीर आला हम लोगों के साथ हों। खुदा इन तमाम लोगों की उम्र लंबी कर, और एक बार फिर हाथ उठाकर खुदा के सामने मैं ये मांगना चाहूँगा कि पाकिस्तान जैसे देश जो कि हमारे देश में दहशतगर्दी फैला रहा है उसको नस्तो नाबूद कर। आमीन सुम्मा आमीन।